चाहे तो प्यार कह लो या कह लो सरफिरा हूँ। तो हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18, एक्सरसाइज 18 बी का। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का, और कंस्ट्रक्शन का ये क्वेश्चन लिया गया है एसएससी मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ अ परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट पी टू द लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि हमें जो है परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये जितना लाइन सेगमेंट दिया गया है सभी का हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है थ्रू पॉइंट पी। पी के थ्रू जो है हमें इन सभी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जैसे ये जो लाइन सेगमेंट है इसका पॉइंट पी कहाँ है? यहाँ है। ये सेकेंड वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका पॉइंट पी कहाँ है? लाइन के ऊपर है, इन इट। और ये थर्ड वाला जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका पॉइंट पी है यहाँ। तो सभी का हमें ड्रा करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। तो फर्स्ट वाले का ड्रा करते हैं। दिया गया है लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी, और इसका पॉइंट है यहाँ पी, और ए बी का हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? ए बी का परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है? ए बी है, उसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर तो ड्रा कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पी को सेंटर मानना पड़ेगा। पी को सेंटर मानकर हमें एक आर्क ड्रा करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से। यहाँ सेंटर है, ऐसे रखे कंपास को रखे, ऐसे ड्रा करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रा हो जाएगा, है ना? जो ए बी को कट करेगा सी पे और डी पे, है ना? इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ ए बी लाइन सेगमेंट ए बी है, हमने पी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा किया जो ए बी को सी और डी पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है, कट कर रहा है। फिर हम सी को मानेंगे, सी एज अ सेंटर, सी को सेंटर मानकर, और फिर डी को सेंटर मानकर। पहले सी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करेंगे, यहाँ ड्रा होगा, ठीक है। फिर डी को सेंटर मानकर एक, पहले सी को, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, जब सी को सेंटर मानेंगे तो ऐसे आर्क ड्रा होगा, ऐसे, तो ऐसे आर्क ड्रा होगा। फिर डी को सेंटर मानेंगे तो ऐसे आर्क ड्रा होगा, कुछ इस तरीके से। इस सेंटर मानेंगे तो इस तरीके से। तो पहले ये सी वाला यहाँ ड्रा, ऐसे ड्रा होगा, फिर डी वाला ऐसे ड्रा होगा, है ना? और इसको हम मिला देंगे इस तरीके से। ये पी है तो इसको मान लेते हैं क्यू। तो अब आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर ड्रा हो चुका है थ्रू, किसके थ्रू हो चुका है ड्रा? पी, पॉइंट पी के थ्रू इसका परपेंडिकुलर ड्रा हो चुका है। परपेंडिकुलर का मतलब जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये लाइन, दूसरा वाला लाइन आया है यहां तक, वो 90 डिग्री के एंगल दोनों तरफ क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो ये इसका परपेंडिकुलर फर्स्ट वाले का ड्रा हो चुका है। अब हम ड्रा करेंगे सेकेंड वाले का परपेंडिकुलर। सेकेंड वाले का वहां लिखा गया है लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करना है, और जिसका पॉइंट पी कहाँ है? लाइन के ऊपर ही है, यहाँ है, वहाँ है, ठीक है? जैसे यहाँ हमने बना लिया है। और इसका हमें क्या ड्रा करना है? परपेंडिकुलर ड्रा करना है पी के थ्रू पॉइंट पी। पी पॉइंट यहाँ है। अब इस ए बी का हमें क्या ड्रा करना है? थोड़ा पॉइंट को यहाँ हम सरका लेते हैं यहाँ, ठीक है? हाँ, जैसे वो लाइन के ऊपर ही है, यहाँ हम लिख लेते हैं ए बी का, ए बी का परपेंडिकुलर ड्रा करना है पॉइंट पी के थ्रू। अब हम क्या करेंगे? पी को सेंटर मानकर एक हम आर्क ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से।
तो हमने आर का ऐसे ड्रा कर दिया है पी को सेंटर मानकर। और ए बी को ये कहाँ कट कर रहा है, सी और डी पे कट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सी को सी एज अ सेंटर और डी एज अ सेंटर। तो पहले सी को सेंटर मानेंगे तो कुछ इस तरीके से आर का ड्रा करेंगे, यहाँ कट करेगा, फिर डी को सेंटर मानेंगे इस तरीके से कट करेगा, यहाँ कट करेगा, और इसको हम इस तरीके से कर देंगे मैच। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बन रहा है एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ भी और यहाँ भी है ना। तो ये है एक परपेंडिकुलर, इसका यहाँ P है यहाँ Q, AB के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है PQ है। तो हमने लिख सकते हैं AB इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये है परपेंडिकुलर का सिंबल। AB इज परपेंडिकुलर टू, नहीं PQ परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो हम लिख सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि PQ AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, AB PQ के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी हमने बनाना सीख लिया है। अब हम ड्रा करेंगे थर्ड वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर। तो थर्ड वाले में क्या लिखा गया है, थर्ड वाले का कुछ इस तरीके से लाइन सेगमेंट ड्रा है ए और बी, और उसका पॉइंट पी है यहाँ और यहाँ है। अब हमें इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, पी को मानेंगे सेंटर, पी को सेंटर मानकर एक ऐसा आर्क ड्रा करेंगे जो ए बी को कुछ इस तरीके से कट करेगा, कहाँ पे, ये सी और डी पे है ना, सी और डी पे कट करेगा। जब सी और डी पे कट करेगा तो यहाँ एक नया पॉइंट सी और डी बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, सी को सेंटर मानकर, यहाँ ये सी है, सी को सेंटर मानकर एक नया आर्क ड्रा करेंगे यहाँ, और उतने ही यहाँ आर्क ड्रा करेंगे, और उतने ही सेम रेडियस का डी को सेंटर मानकर यहाँ आर्क ड्रा करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फिर उतने ही रेडियस का, जितना रेडियस का ये है उतने रेडियस का ये वाला कट आर्क ड्रा करेंगे। तो ये इस तरीके से मिला, मैच करेंगे। इसका यहाँ पी है, यहाँ पी है, तो यहाँ क्यू मान लेते हैं। तो ए बी इज तो परपेंडिकुलर ड्रा हो चुका है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो अब आई मुद्दे की बात समझ में, तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब। बाय।